हेलो एवरीवन, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, जो व्लॉग है, वो है अष्टमी का। हमारे में गुजराती में आठम बोलते हैं। नवरात्रि में जो आठवां नौरता होता है, तब हमारे घर में नैवेद्य प्रसाद होते हैं। हमारे जो कुल देवी है, उनको प्रसाद धराया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है, जो मेरा रूटीन होता है वही था। आज शाम को ट्यूशन के बच्चे को छुट्टी दे दी थी और झाड़ू पोछा लगा के फिर मैंने पूरे घर में रंगोली बनाई थी। पर मेरा जो कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम था, उस वजह से मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो इस तरह से मैंने जो भी हमारे घर में जो भी डोर है, जितने भी वहाँ पे मैंने इस तरह से पैर बनाए थे, जो माता जी के पैर होते हैं उस तरह से। तो और जो भी डिज़ाइन होती है वो भी मैंने सिंपल ही की थी और थोड़े बहुत फ्लावर्स लगा दिए थे। और उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए बच्चों को भी बोला था कि चलो जल्दी से बैठ जाएं। और आज मेरे फादर इन लॉ है, वो भी ऊपर आए थे पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए बस हमारे जो कुलदेवी है, उनको नैवेद्य बोला ना आपको, जिस तरह से वैसे ही नैवेद्य किया जाता है। उसमें चावल का होता है और जो हम कंसार बनाते हैं, जो सुखड़ी भी बना सकते हैं और जो लापसी बोलते हैं वो भी बना सकते हैं, पर हमने लापसी बनाई थी क्योंकि सुखड़ी तो हम हर पूर्णिमा को बनाते ही हैं। और इस तरह से ये रंगोली भी बना दी है। रंगोली में कुछ हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, बस जो कुमकुम है उससे ही घर के मेन डोर पे और फिर जो जहाँ पे मंदिर है किचन में, उस जगह पे इस तरह से बस मैंने रंगोली ही बनाई थी। पूजा करने के बाद पूरे घर में इस तरह से मैंने जो दिया बाती थी वो पूरे घर में घुमा दी इस तरह से कि जो भी नेगेटिव है, नकारात्मक है, वहाँ चली जाए और मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और इस तरह से ही मैं पूर्णिमा के दिन भी हर पूर्णिमा को ऐसे ही पूजा करती हूँ। धूप भी लगाते हैं और इसी तरह से हम दिया भी प्रज्वलित करते हैं और इसी तरह से आरती भी करते हैं। ये हमारा हर पूर्णिमा को रूटीन होता है। पूर्णिमा के दिन मेरे उपवास भी होते हैं, तो उस दिन भी मैं इसी तरह से पूजा करने के बाद ही उपवास छोड़ती हूँ। जब हमारे कुलदेवी का नैवेद्य खाते हैं उसके बाद ही मैं उपवास छोड़ देती हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने किया था। ये देखिए, पहले भी मैंने बताया रंगोली, इसी तरह सिंपल रंगोली बनाई थी। कई कई कस्टमर भी बीच बीच में आते थे तो कस्टमर को भी हैंडल करती रहती थी। नवरात्रि में क्या है, 10-10:30 बजे भी कस्टमर आते रहते हैं, तो उनको भी संभालना पड़ता है। अभी देखिए, गणपति में जो मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, यानी जो गणेश जी का मैं व्रत करती हूँ, हर मंगलवार को पूजा करती हूँ और मेरे पास जो भी पैसे आते हैं, जैसे कि मेरी पहली सैलरी आती है या फिर पहली जो भी सेलिंग पर्पज से जो बिजनेस करती हूँ उसकी इनकम आती है, वो मैं इसी गले में डाल देती हूँ। चाहे 1 रुपया हो या 500 की नोट हो, फर्स्ट जो भी आती है वह मैं इसके अंदर ही डालती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो इकट्ठे किए हैं वो इस तरह से मैंने थाल में निकाल दिए। अब सब काउंटिंग करूँगी। जाना तो है माधव के लिए, और छोटी सी जो होती है ना कटोरी लेनी है और ग्लास लेनी है। चम्मच तो मेरे पास है, चांदी की कुछ चीज़ लेनी है छोटी सी। अभी देखते हैं वहाँ पे जाके पता चलेगा क्या लेंगे वैसा। पर और पैसे भी कितने होते हैं वो भी गिनने पड़ेंगे ना। तो अभी मैं जो 10-10 की नोट्स है वो अलग करूँगी, 50 की नोट्स अलग करूँगी, 100 वाली और 500 वाली। और कॉइन्स है वो 1-1 वाले कॉइन अलग होंगे, 2 वाले कॉइन अलग, 5 वाले और 10 वाले। इस तरह के सारे मैंने अलग अलग से रख दिए हैं। रखने के बाद जब काउंटिंग किया तो अच्छी सी अमाउंट निकली है, जैसे कि मेरी कुछ चीज़ तो आ जाएगी और थोड़ा मैं अंदर ऐड कर दूंगी। जैसे कि ये देख रहे हो, ये चवन्नी है, पहले के टाइम में चलती थी, तो वो मेरे पास है तो मैं उसे डिब्बे में ही रखती हूँ।
3,000 जैसी अमाउंट इकट्ठी हुई है। अब उसमें से देखते हैं चांदी में क्या आता है, तो वह लेके हम आएंगे और माधव के लिए ही लाना है, और कुछ नहीं लेना। बाकी सब तो घर में है ही मेरे पास, पर माधव के लिए छोटी सी ग्लास लेनी है जिससे हम रख पाए। तो चलिए जा के देखते हैं हमें क्या मिलता है। अभी देखिए, मैंने बताया था कि मैं आभूषण में जा रही हूँ लेने के लिए, पर अभी मोबाइल शॉप में आ गए, वहाँ पे गए पर शॉप बंद थी, तो और ले लिया है मोबाइल। अभी मैं घर पे जाके दिखाऊंगी कौन सा लिया है। तो अभी मैं आपको यहाँ से ही बता रही हूँ कि इस तरह का है, ये वाला लिया हुआ है Galaxy A33। और जो हम लाला के लिए लेने निकले थे ना, वो नहीं लिया है, वो शायद मैं कल या परसों जाऊंगी, तो उसी के लिए वही व्लॉग थोड़ा लेट आएगा मेरा, तो ज़रूर से देखिएगा। देखिए अभी हम फ़ोन लेके आए हैं, 21 मिनट अभी वो पता नहीं क्या करेगी, हाथ में भी नहीं दे रही है मुझे। और देखिए कृष्णा और माधव, माधव को भी मैंने दिखा दिया, और फर्स्ट फोटो मैंने माधव की ही खींची है। अब मैं आपको, आपको नहीं, आप खुद मुझे बताएंगे कि रिजल्ट इसका कौन सा अच्छा है। मेरे जो ये कैमरा है अभी जिससे मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ वो अच्छा है, कि फिर अभी मैं जो नया फ़ोन लाई वो अच्छा है, ठीक है? आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। ये फर्स्ट पिक है जो मैंने माधव के साथ कृष्णा के लिए है। ये देखिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। बस आज का व्लॉग इतना ही है, बाकी कल के लिए तैयारी करनी है। कल हम लोग लाडोल जा रहे हैं, हम लोग यानी मैं और जहेश, और साथ में आप ही रहोगे ना, तो बस अभी उनको डाई भी करनी है, थोड़ा काम भी घर का बाकी है। तो व्लॉग यहीं कंप्लीट करती हूँ, कल दूसरा व्लॉग आएगा उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, वो अभी देखिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कैसे लगते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।